यहाँ से शुरू कीजिए। कोई और बात भी है क्या देवराज सर? क्या मतलब? सच में समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। आपको मैं कृष्णा से माया बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? कोई और बात भी है जो आप मुझे छुपा रहे हैं? जैसे आपने अपनी पहली शादी के बारे में छुपाया था, जैसे आपने हमारे और माया के चेहरे के राज के बारे में छुपाया था। आप अभी तक अपने सपनों की दुनिया में जी रही हैं। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके सपनों की दुनिया ठीक वैसी है जैसे आपने सोचा हो। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद देवराज सर को यह सब कुछ करने पर कोई मजबूर कर रहा है। शायद मैं ये सब किसी के कहने पर कर रहा हूं। राइट? सही है ना? मैं हरगिज नहीं। इसलिए अपने मन को बहलाना बंद कीजिए। मैं ना तो ये सब किसी के कहने पर कर रहा हूं और ना ही मुझे ये सब करने पर कोई मजबूर कर रहा है। मैं ठीक वैसा ही हूं जैसा आपको दिख रहा हूं। यही है असली देवराज सिंह राठौर। नाउ डील विद इट। मेरा आपको यहां लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको माया की तरह बनाना, और वो मैं आपको बना कर रहूंगा। ये माया के कपड़े हैं और आपको आज से यही पहनना है। आप करना क्या चाहते हैं? आप हमें माया की हजारों वीडियोस दिखा सकते हैं, उनको देख के हम माया की तरह दिखने भी लगेंगे, चलने लगेंगे, बोलने लगेंगे। क्या आपको लगता है हम सच में माया बन पाएंगे? मेरे पास आपकी इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। जो कहा गया है वो करिए। ठीक है, हम माया की तरह कपड़े भी पहनने लगेंगे, उनकी तरह बोलने लगेंगे, उनकी तरह चलने लगेंगे, क्या तब आप हमसे प्यार करेंगे? नहीं ना, क्योंकि प्यार सूरत से नहीं सीरत से किया जाता है। हम माया की तरह बनने की कोशिश भी करेंगे तब भी आपका दिल हमेशा आपको यही कहेगा कि हम माया नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। बस बंद कीजिए अपनी ये फालतू की बातें और अपनी ये कोशिशें, और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। मेरी ये पुरानी यादें अपने जहन से, अपना वहम समझ के निकाल दीजिए। मैं आपको यहां सिर्फ एक ही मकसद के लिए लाया हूं, आपको माया बनाने के लिए, जो आपको बनना है। इसलिए अपनी बकवास बंद कीजिए और काम शुरू।